गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को जानते हैं, अंडमान पुलिस ने नशीले पदार्थों के उपयोग के विरुद्ध एक मुहिम चलाई हुई है। उसी मुहिम के अंतर्गत कल हुई चेकिंग के दौरान नारकोटिक सेल जो CID का है, उसने एयरपोर्ट से एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, जिसका कि नाम डी प्रेम कुमार है, और उससे हमने 3.564 kg, 3.5 किलो से कुछ ज़्यादा गांजा बरामद किया। उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, ये कलकत्ता से फ्लाइट से आ रहे थे। हम लोग आजकल इस मुहिम के दौरान जितनी भी फ्लाइट्स आती हैं उन पर जो हमारी सस्पेक्ट दिखते हैं उसके आधार पर रैंडम चेकिंग करते हैं, और आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में उसमें कई गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। जब इनको पुलिस रिमांड पर लेकर इनकी सस्टेंड इंटरोगेशन की गई तो ये पता चला कि एक महिला एल धनलक्ष्मी, जो वृक्षाबाद की रहने वाली है, उन्होंने वो इसको अपने साथ कलकत्ता लेके गई थी और इसको ये गांजा यहाँ डिलीवर करने के एवज में 20,000 रुपये देने का वादा किया। जब हम लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो ये जो महिलाएं ये पहले से हमारी सस्पेक्ट लिस्ट पे थी और ऐसी सूचनाएँ मिल रही थी कि ये गांजे के कारोबार में लिप्त हैं। इनको अरेस्ट किया गया और इनकी से पूछताछ के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति अब्दुल माजिद, जो अनारकली बस्ती का रहने वाला फ्रूट वेंडर है, वो इसको इस काम के लिए फाइनेंस किया करता था। अभी भी उसने इसको 70,000 रुपये दिए थे और ये बात कही थी कि जब आप गांजा लेके आते हैं लोकल मार्केट में बेचोगे तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। फिलहाल तीनों एक्यूज अरेस्टेड है, तीनों पुलिस रिमांड पे हैं और हम लोग इस नेटवर्क को और आगे बढ़ाने की, इनके माध्यम से और लोगों को पकड़ने की और पूरे सिंडिकेट को बस्ट करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। आगे जैसे भी कोई प्रोग्रेस इस केस में होगी और भी जो जानकारियां सामने आएंगी वो आपके साथ साझा की जाएंगी। पता चलता भी है, जो नेशनल लेवल की एनकॉर्ड कमेटी की मीटिंग थी, अभी हाल में वो मीटिंग की गई, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का स्पेशल एम्फेसिस है कलकत्ता और चेन्नई एयरपोर्ट पे फॉर अंडमान बाउंड फ्लाइट्स। पर जैसा कि आपको पता है, बहुत सारा लगेज होता है, कई बार वो चीज़ स्क्रूटी स्कैनर से बच जाती है, इसीलिए यहाँ रैंडम चेकिंग की जाती है। लेकिन जैसा आपने कहा, सही फरमाया, तो उसके आधार पे हम लोग कलकत्ता और चेन्नई दोनों एयरपोर्ट से ये टाई अप कर रहे हैं कि वहाँ अंडमान बाउंड फ्लाइट जो है उनकी चेकिंग और सघन की जाए। हम लोग जांच कर रहे हैं क्योंकि अभी काफी मात्रा में पकड़ा गया। अभी तक जितनी पिछली जानकारी थी कि जितना मेटामरफाइन यहाँ पकड़ा गया है वो उसी का पार्ट है कि जो पहले समुद्र में बह के आया था, हेडवे में था। अभी जो ये लेटेस्ट कैचेज हुए हैं, संभवतः कल या परसों में हम लोग फिर आपके साथ बैठेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, तो उस समय ये बात भी साझा की जाएगी कि इसका सोर्स क्या है। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। देखिए, अभी मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस केस में भी हमें एक या दो लोगों ने गोपनीय सूचना दी। हम लोगों ने इतना तक इंश्योर किया कि उनसे सिर्फ सीनियर अफसर ही बात करें, आवश्यकता पड़े तो उनके घर जाके बात करें। उनका उनकी आइडेंटिटी, उनके घर की आइडेंटिटी पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाए, और आप पाइएगा कि इस केस से रिलेटेड आपको कोई जानकारी बाहर नहीं आने दी जाएगी। लोग धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ रहा है और मैं आपके माध्यम से उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे तो वो दिए हुए नंबर पे, चाहे तो वो मेरे से, चाहे तो वो SP साहब से, DSP से, सीनियर अफसर से बात करें। जरूरत पड़ेगी तो हम खुद हम नीचे तक वो बात जाने ही नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगी तो आई गो एंड मीट देम। जरूरत पड़ेगी तो इस केस में भी DSP साहब खुद मिल के आए किसी को, हमने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। देखिए, ये वाजिब बात है, हर आदमी इस बात से घबराता है कि मेरा नाम पुलिस केस में ना आ जाए, मुझे विटनेस ना बना लें, मुझे कोर्ट में ना जाना पड़े। पर जैसे इस केस में DSP मैं तभी तो कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि ऐसी कोई बात हमारे तक आती है तो हमारे तक ही रहेगी, हमारे तक माने कि अफसर तक ही रहेगी। इवन इफ समबडी कॉन्टैक्ट्स मी, तो एज ए DIG आई विल गो एंड पर्सनली मीट देम। ये तो समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है, इसका सामना करना बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य की बात यह है कि धीरे धीरे अंडमान ही नहीं पूरे देश में जैसे बुलाया गया है, और हमारे जो नए DG साहब हैं उनकी प्रायोरिटी में प्रायोरिटी नंबर 1 है। वी आर ऑल वर्किंग ऑन इट, आप भी हमारी टीम के पार्ट हो। इसलिए मैं तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तक कोई जानकारी आती है
आप 1 to 1 बता दीजिए, वो बात कहीं आगे नहीं जाएगी, और आपके माध्यम से ये बात प्रेस तक जाएगी, प्रेस के माध्यम से लोगों तक जाएगी, तो लोगों का भी विश्वास जगेगा। थैंक यू। अभी आपने देखा होगा जो पिछले 2-3 केसेस हुए हैं, अब हमारा पूरा एम्फेसिस इस बात पे है कि किसी भी रिकवरी को उस व्यक्ति तक ही सीमित ना रहने दिया जाए। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, कई बार क्या होता है कि जो ये एक्ट्यूज हैं खुद ही एडिक्ट होते हैं, उनसे बहुत सघनता से पूछताछ नहीं की जा सकती, बीमार हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। पर इस केस में जैसे देखा जाए, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, तो हम जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया उसको पहले अरेस्ट किया, जो महिला उसको कलकत्ता लेके गई उसको अरेस्ट किया, फिर जिस व्यक्ति ने उस महिला को पैसे दिए उसको अरेस्ट किया, और अभी भी हम रुके नहीं है। तो आपको लग रहा है कि छोटे लेवल के लोग ही कर रहे हैं क्या? नहीं, मैम, छोटे लोग लेवल के लोग नहीं कर रहे हैं। मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि 50,000, 70,000, 1.5 लाख रुपए छोटे लेवल का आदमी कहाँ से लेके जाएगा? कलकत्ता की फ्लाइट इतनी महंगी है, एक आदमी 6 बार कलकत्ता ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ से लेके जाएगा? पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लोग इस व्यापार में लिप्त है, ये भी उतनी तल्लीनता से लगे हुए हैं, ये भी उतनी शिद्दत से गलत काम करने में लगे हुए हैं, इसीलिए हम लोग पूरी मेहनत से उनका पीछा कर रहे हैं। अब जैसे यही केस है, ये गरीब आदमी है, इसको इस एक लेडी ने पैसे देके अपने साथ चर्चा कर लेगी, उस लेडी को फर्दर किसी ने फंड किया, तो ये सिंडिकेट बड़ा है, और इसीलिए हमारी कोशिश है उसके हर छोर तक पहुंचे। हम पूरी 100% रोक पाएंगे। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होंगी तो उतनी हमारी भी तैयारी शुरू होगी, उतना हमारा भी स्टाफ बढ़ेगा, हमारी तरफ से भी चेकिंग उतनी सघन होगी। जिस जिस की भी सूचना मिलती है, ये तो जो बात है ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है कि पुलिस वालों के पास भी है, अभी तक इस तरह की कोई कंक्रीट सूचना नहीं मिली है। पर जहाँ जहाँ, वो बात पूरी तरह मैं खुल के नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ जहाँ हमें ऐसा लगा कि हमारे किस कुछ स्टाफ की जाने में अनजाने में इस तरह की कोई संलिप्तता है, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई की भी है और आगे भी करेंगे। ये नो, वी हैव अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑन ड्रग्स एंड वी विल मेंटेन इट 100%। वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द हॉस्पिटल्स? वहां पे जो रिसेंटली जो गांजा का पेड़ मिला है, हार्डी फ्रूट की जी, उसको लेके क्या कहना है? आजकल तो उगाने लगे, लोग उगाने लगे हैं, वो केस लोकल पुलिस ने किया था, उस पे भी जांच चल रही है इस बात की कि वो उसने कहाँ से लाके उगाया, वो सिंगल पेड़ था या उससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, अगले कुछ दिनों में वो सूचना भी आपसे शेयर करें। सर, एक चीज पूछना चाहती जी प्लीज, ये जनता जानना चाहती है पब्लिक कि सर, जैसे कहा इन्होंने कि दो दो रास्ते हैं आने के, जितने एयरपोर्ट वगैरह में पकड़े जा रहे हैं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, और जो छिटपुट रूप से सारे इंटर आइलैंड कैरियर तमाम जगहों पर, कि जहां पे खेप उतर रहा है वहां पे उतने सूचना तंत्र इतना सक्रिय नहीं कर रहा है, लेकिन बाहर में जो जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं स्कैटर्ड आइलैंड में पहुंच जाते हैं, वहां पे सूचना तंत्र छोटे से छोटे खेप को पकड़ने में सक्षम है, तो सूचना तंत्र के भीतर खामियां क्या नजर आ रही है उसमें? मैं इसको खामी नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि समस्या बढ़ती जा रही है, उसी रूप में हम भी समस्या के पीछे पीछे चल रहे हैं। ईश्वर ने चाह और आप सभी लोगों का सहयोग रहा, तो कुछ देर में हम समस्या से आगे निकल के समस्या को पकड़ेंगे। सूचना तंत्र की खामी नहीं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हम उनसे पीछे चल रहे हैं। कार्गो के माध्यम से भी इन चीजों के आने की सूचना है, कार्गो इतना बड़ा होता है, हम लोग ब्लॉक स्क्वाड के माध्यम से चेक करते हैं, ऐसी भी सूचना है कि कोई बड़ा कंटेनर है जिसमें कोई बड़ा सामान रखा हुआ है, उसके बीच बीच में इन चीजों को छुपा के लाया जा रहा है। हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, सी का बॉर्डर पूरा पोरस है, हम लोग इस बात पे भी अब जांच कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड और नेवी के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि समुद्री रास्ते से जो जैसे पोचर्स आते हैं कहीं उससे तो नहीं ये चीज आ रही, तो हम लोगों ने कोई चीज छोड़ी नहीं हुई है। और आप सबका जिस तरह का सहयोग, मुझे बड़ी खुशी है कि अंडमान में प्रेस का, पब्लिक का बहुत सहयोग पुलिस को मिलता है, बहुत सारी सूचनाएं भी मिलती है जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। आप सबका सहयोग रहा तो हमारी तरफ से, हमारी सिंसियरिटी में, हमारी कोशिश में, हमारे कमिटमेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, और हम लोग हर हालत में इस समस्या पे काबू पाएंगे, इसे इस सुंदर आइलैंड से खत्म करेंगे। क्या सर, डिपार्टमेंट ने ऐसे कोई समय सीमा या कोई समय सीमा या टारगेट इसका जड़ से उन्मूलन करना है, कोई ऐसा तय किया है? समय सीमा तो इन चीजों की कभी निश्चित नहीं हो सकती, ये समस्या पूरे विश्व में है, ये समस्या सदियों से है,
पर ये हमारा जरूर कमिटमेंट है, ये आइलैंड के लोग बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन है, लॉ अबाइडिंग है। मेरा अपना मानना है कि अभी ये समस्या कम से कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतनी नहीं बड़ी है कि इसको हम काबू ना पा सकें, इस पर हम कंट्रोल ना कर सकें। काबू पाने का अर्थ मात्र पकड़ना नहीं है, मात्र रिकवरी नहीं है, इनकी सप्लाई चेन को तोड़ना है। एंड आप सबके सहयोग से वी विल डू दैट। और सर, जिस तरीके से अब प्लान तैयार हुए हैं हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाना है, इसके डेवलपमेंट की जो रोड मैप तैयार हुई है, तो आपको नहीं लगता आने वाले समय पे चैलेंजेस और बढ़ने वाले हैं? 100% बढ़ने वाले हैं, 100% बढ़ने वाले हैं। तो इसकी तरह से हमारी तैयारी भी बढ़ने वाली है, कोई वैसा नहीं जाएगा। आप देखिए पिछले 1-1.5 साल से सघनता के साथ अभियान चल रहा है, इसमें किसी अफसर के बदलने की वो नहीं है। केंद्र सरकार का इसके प्रति कमिटमेंट है, अंडमान प्रशासन का कमिटमेंट है। पिछले वर्ष यहाँ पर एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की स्थापना की गई एडीजी सेंटर में, यहाँ पर नार्कोटिक सेल अलग से बनाया गया, और आप देख रहे हो निरंतर ये कार्रवाई चल रही है। धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले हम लोगों ने रिकवरी की, फिर प्रयास से हम और सस्पेक्ट्स तक पहुँचे, अब हम सप्लाई चेन तक पहुँच गए हैं, सिंडिकेट को तोड़ने की स्थिति में है। तो ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि ये क्षणिक है या थोड़े समय के लिए। उसका डिस्ट्रॉय करने का एक लीगल प्रोसीजर है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों के अंडर में इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। लास्ट जो डिस्ट्रक्शन यहाँ हुआ था अक्टूबर और नवंबर के महीने में हुआ था, बड़ा मैसिव, और अभी हम अगले महीने के लिए प्लान कर रहे हैं। दैट इज ऑलरेडी अंडर प्लानिंग। जनरल पब्लिक या मीडिया भी देख सकती है इसको? यस 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 बिल्कुल। अब की बार जब होगा तो विल कॉल द मीडिया। पिछली बार भी बुलाया था सर, इस बार प्रेस रिलीज नहीं देंगे, आप सबको बुलाते हैं, आपके सामने करेंगे, बिल्कुल प्रोसेस में 15 अगस्त तक हो जाएगा। आपकी टीम में कौन लोग इस बार जो पकड़े? अभी बाहर आपसे मिलवाते हैं, बताओ मुझे नाम बता दो। राहिल राजो DSP हैं, मिस्टर विनय माथुर DSP नार्कोटिक सेल, सब इंस्पेक्टर राहिल, और तुम्हारी टीम में कौन थे? अरे सब सामने आओ ना, तुम ही लोगों का तो काम है। कम 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 सबको बुला लो, बात यही फोटो हो जाएगा, यही बुला लो। ये वो बहादुर टीम है जिसने ये काम किया है, इन्होंने पहले भी बहुत अच्छे काम किए। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुँचे और उनको पूरी शाबाशी मिले, और ये इनको इनका मनोबल भी बढ़े कि आगे भी निरंतर ऐसा काम करते रहे। थैंक यू।